हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा की नई BA6 2818 के बारे में, जो टाटा ने BA6 वेरिएंट में टाटा की 2818 गाड़ी लॉन्च की हुई है। देख सकते हैं दोस्तों, 2818 10 व्हीलर गाड़ी है ये टाटा की। इसमें आपको मिलता है 2818 में दोस्तों इंजन, कम्यून्स इंजन इसमें लगा होता है। 5.6 लीटर का इसमें कम्यून्स इंजन है, जो कि 180 हॉर्स पावर का इसमें इंजन दिया हुआ है। और जो 140 किलोवाट और 2300 आरपीएम पर काम करता है, और इसमें जो टॉर्क दिया होता है, टाटा ने जो टॉर्क दिया है इसमें 850 Nm का टॉर्क दे रखा है टाटा ने इसमें। दोस्तों देख सकते हो आप, टाटा की नई 2818 BA6 ये कॉल कैबिन के साथ टाटा ने BA6 का मॉडल, न्यू मॉडल लॉन्च किया हुआ है। और इसमें दोस्तों आपको मिलेगा 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स, 950 नंबर का इसमें गियरबॉक्स टाटा ने दिया हुआ है, और जिसमें 6 फॉरवर्ड गियर 1 रिवर्स गियर इसमें टाटा ने दे रखे हैं। ये देखो दोस्तों, देख सकते हो आप। और इसकी टायर की बात करें तो टाटा ने इसमें 20 इंच के टायर दे रखे हैं, 20 इंच के टायर दे रखे हैं। ये देखो दोस्तों, पीछे दिखाता हूँ, ये देखो और इसके ये इसका फ्यूल टैंक आता है, ये देखो दोस्तों इसका फ्यूल टैंक, जो कि टाटा ने 365 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है। और उसके साथ में दोस्तों आपको मिलता है एडब्लू टैंक एरिया टैंक, जो कि 60 लीटर का है। देख सकते हैं दोस्तों, 60 लीटर का एडब्लू टैंक है, उसके ऊपर लगा होता है फ्यूल गेज। ये देखो दोस्तों, ये फ्यूल गेज ये लगी हुई है यूरिया गेज, यूरिया जो मीटर में यूरिया शो करती है। ये है दोस्तों फ्यूल गेज, डीजल टंकी के ऊपर लगी होती है, एक मेन पाइप है और एक वापसी पाइप लगी हुई है। देखो दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों टाटा की नई 2818। और दोस्तों इसकी सर्विस की बात करते हैं, BA6 की सर्विस दोस्तों का शेड्यूल बदल चुका है, इसकी सर्विस टाटा ने बढ़ा दी गई है। BA6 की जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी सर्विस का शेड्यूल टाटा ने बढ़ा दिया गया है। इसमें दोस्तों जो पहली सर्विस होगी वो 80,000 किलोमीटर पे होगी, फर्स्ट सर्विस 80,000 किलोमीटर, और उसमें इंजन ऑयल चेंज होगा, फ्यूल फिल्टर डीजल फिल्टर 80,000 पे चेंज होंगे। और दोस्तों उसके बाद जो इसकी दूसरी सर्विस होगी वो 160 पे दूसरी सर्विस इसकी होगी, उसमें दोस्तों गियरबॉक्स क्राउन ऑयल चेंज होगा। और दोस्तों उसके बाद इसके साथ ही इसकी हब ग्रीसिंग भी, इसके साथ ही 1,60,000 पे इसकी हब ग्रीसिंग भी साथ में ही होगी। ये देख सकते हैं दोस्तों,
पीछे से देख सकते हैं दोस्तों, नीचे से इसमें दोस्तों रियर एक्सल जो आता है टाटा का सिंगल रिडक्शन रियर एक्सल आता है। ये देखो दोस्तों, ये ब्रेक चैम्बर है इसके, ये देखो ये दोस्तों क्राउन है डिफरेंशियल इसका, और जो फ्रंट एक्सल आता है वो टाटा ने इसमें हैवी ड्यूटी रिवर्स इलिय टाइप इसमें दोस्तों फ्रंट एक्सल टाटा ने दिया हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों नीचे से, टाटा की नई 2818 दोस्तों सिग्ना कैबिन में भी टाटा ने अवेलेबल करवा रखी है। और इसमें दोस्तों ये देखो दोस्तों, ये इसका फ्यूल फिल्टर है, और जो इसमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम दिया हुआ है दोस्तों वो इसमें अमरेला का फ्यूल सप्लाई सिस्टम इसमें टाटा ने दे रखा है। काफ़ी अच्छी गाड़ी टाटा ने BS6 2818 है। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं इसका कैबिन चढ़ के इसका, ये देखो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये टाटा का स्टीयरिंग व्हील, ये इसके स्विचेस, ये इसके मोड है, तीन मोड, लाइट मोड, मीडियम मोड, हैवी मोड। जो टाटा की BS4 गाड़ी थी उसमें सिर्फ दो ही मोड दिए हैं, इसमें तीन मोड दिए हुए हैं, लाइट, मीडियम, हैवी। इससे एवरेज अच्छी आती है इसका यूज करके। ये देखो दोस्तों इसका क्लस्टर मीटर, डिजिटल क्लस्टर मीटर टाटा ने इसमें दे रखा है। और जो कॉल मोटर आता है वो ब्लोअर के साथ आता है दोस्तों, ये देखो दोस्तों बंद करके रखा है ताकि इसमें बारिश ना गिरे, ये इसका ब्लोअर है। और जो सिग्ना कैबिन के साथ टाटा की 2818 आती है उसमें दोनों ऑप्शन है, AC की भी है और ब्लोअर की भी है। ये इसका फ्यूल बॉक्स है, ये देख सकते दोस्तों, ये इसका फ्यूल बॉक्स है, और ये इसका गियर लीवर देख सकते हैं दोस्तों। और इसमें एक जैसे क्लच में पैर साइड में रखने के लिए फुटरेस्ट दिया हुआ है ताकि आप यहाँ क्लच में पैर रखो और क्लच का यूज करते रहे। ये देखते हो दोस्तों, ये एक्सीलेटर, ब्रेक पैडल, क्लच पैडल साथ ही दिया हुआ है। ये इसका हैंड ब्रेक लीवर है, देख सकते हैं दोस्तों, टाटा की नई 2818 BS6। ये देख सकते हो दोस्तों ऊपर से काफी अच्छी पावरफुल गाड़ी है दोस्तों। जो भी गाड़ी कम्यूस इंजन के साथ लेते हो वो गाड़ी बिल्कुल सही है, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। जो कम्यूस इंजन के साथ जो भी गाड़ी टाटा की आती है वो गाड़ी बिल्कुल सही गाड़ी होती है, उसमें कमी खराबी पाई जाती है, इंजन में भी, गियर बॉक्स में भी और क्राउन में भी, ये देख सकते हैं दोस्तों। और नीचे दोस्तों देखो इसका SCR सिस्टम नीचे दे रखा है, ये देख सकते हैं दोस्तों इसका SCR सिस्टम, ये इसका SCR सिस्टम है नीचे गियर बॉक्स के साथ में दिया हुआ है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर से देख सकते हैं। और ये इसका एयर ड्रायर है सामने ही, टाटा की न्यू 2818 BS6 दोस्तों। ऐसे ही वीडियो, नई नई वीडियो इसमें मैं डालता रहूँगा टाटा की नई नई गाड़ियों की, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जो भी नई गाड़ी लेना चाहता है उसको ये वीडियो दिखाओ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
देख सकते हैं दोस्तों, टाटा की नई 28 BS6। दोस्तों अब मिलते हैं किसी और गाड़ी के साथ, तब तक के लिए बाय।